question, observe these figures. And they are given this table, number of dots, four dots are to one, this figure we call trapezium. One trapezium is completed. And now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dots. Then 2 trapezium completed. Now 8 dot, 3. So, we will tell 12 dots, mein how many trapezium will complete. And then n, number of dots agar n hai, to kitne trapezium banenge. That was something. एक जनरल टर्म लिखनी है. नाउ लुक एट हियर, नंबर ऑफ डॉट्स, वन ट्रेपेज़ियम बनता है फोर नंबर ऑफ डॉट्स में, टू ट्रेपेज़ियम बनते हैं सिक्स नंबर ऑफ डॉट्स में, एंड थ्री ट्रेपेज़ियम बनते हैं एट नंबर ऑफ डॉट्स में. हमें 12 का बताना है, हाउ मैनी डॉट्स, सॉरी हमें 12 डॉट्स में कितने ट्रेपेज़ियम बनेंगे ये बताना है, और एंड डॉट्स भी लिखने बनेंगे. टू राइट अ जनरल टर्म, हमें इनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है कि उसमें हम वैल्यूज रखते जाए, हमारी नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम आते जाए. फर्स्ट को अगर हम छोड़ दें, हम सेकंड को देखते हैं, हाउ मेनी डिफरेंस बिटवीन 6 एंड 4, 2, 6 एंड 8, अगेन 2. तो अगर हम वैसे जनरलाइज करें, 4 डॉट में 1 ट्रेपेज़ियम, 6 डॉट में 2 ट्रेपेज़ियम, इवन नंबर ऑफ डॉट्स चल रही है और नहीं ली है, 8 डॉट 3 ट्रेपेज़ियम, 8 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर 10, 10 डॉट तो 4 ट्रेपेज़ियम, 10 के बाद इवन नंबर 12 डॉट तो 5 ट्रेपेज़ियम, क्योंकि 10 डॉट्स में कितने बनने चाहिए थे, अगर यहाँ पर 10 डॉट्स का कॉलम होता तो कितने ट्रेपेज़ियम बनते, 4. बट अब हमें n के लिए बताना है, दैट मींस हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा. नाउ सपोज दिस इज 6 एंड 4, डिफरेंस बिटवीन दिस 2, इस टर्म के लिए मैं लिख सकती हूँ 6 माइनस 2, वी विल गेट 4. लेकिन मुझे कितने ट्रेपेज़ियम बनने चाहिए, 2. तो अगर मैं इस टर्म को 2 से डिवाइड कर दूँ तो कितने नंबर ऑफ ट्रेपेज़ियम बन जाएंगे, 2. यहाँ पे कितनी डॉट्स हैं, 8. 8 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 6. लेकिन मुझे ट्रेपेज़ियम कितने बनाने हैं, 3. तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो कितने ट्रेपेज़ियम बन जाएंगे, 3. मेरे पास कितनी नंबर ऑफ डॉट्स है, 12. अगर मैं 12 में से 2 माइनस करूँ तो मुझे मिलेगा 10. इसको 2 से डिवाइड करूँ क्योंकि इन दोनों को मैंने करा तो कितना आएगा, 5. दैट मीन्स 5 ट्रेपेज़ियम बनेंगे. हमने वैसे जनरलाइज करा था जब भी आंसर 5 था. तो अब देखो हम कर क्या रहे हैं, ये क्या है हमारे, ये क्या है, ये है नंबर ऑफ डॉट्स. इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, 2 एंड डिवाइडेड बाई 2. तो हमारी जनरल टर्म क्या बन गई, नंबर ऑफ डॉट्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2. जब हम इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे हमारा आंसर आता जाएगा. चेक करें, 4 डॉट है, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, 1. 6 और 8 की मैंने आपको दिखा दी, 12 की दिखा दी. तो इट्स जनरल टर्म, इट्स आंसर इज 5. एंड जनरल टर्म अगर n है तो नंबर ऑफ डॉट्स कितनी है हमारे पास, n, 2 माइनस डिवाइडेड बाय 2. यानी हियर इज गिवन, 1 ट्रेपेज़ियम 4 डॉट की हेल्प से बन रहा है, 2, 6, 3, 8, 4, ये हमें नहीं गिवन था. हमें बताना है 12 डॉट की हेल्प से कितने ट्रेपेज़ियम बनेंगे, देन n डॉट्स. तो लेट अस चेक फॉर जनरल वे. देखो इवन नंबर है, 4 इज इवन, 6 इवन, 8 इवन, 12 इवन. तो 4 डॉट की हेल्प से 2, 6 डॉट की हेल्प से, सॉरी 4 डॉट की हेल्प से 1, 6 डॉट की हेल्प से 2. डिफरेंस बिटवीन 2, 6 एंड 8, 2. तो नेक्स्ट टर्म क्या आनी चाहिए, 10. 10 की हेल्प से कितने बन जाएंगे, 4. देन 12, 12 की हेल्प से 5. अब हमें जनरल टर्म लिखनी है, मुझे 6 पे 2 लाना है. तो मैं क्या करूँ, 6 में से 2 माइनस कर दूँ, क्या आएगा, 4. लेकिन मुझे यहाँ क्या चाहिए, 2. सो डिवाइडेड बाय 2, 2. ये जो टर्म हमने लिखा है ना, ये सब पे सेम ही अप्लाई होना चाहिए फॉर्मूला. अगर मैं यहाँ पे 6 माइनस 4 कर देती तो 2 तो आ जाता है.
नेक्स्ट के लिए अगर मैं 8 माइनस 4 करूंगी तो 2 आएगा, मुझे 3 चाहिए। तो मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो सारी टर्म्स को सेटिस्फाई करे। सो 8 माइनस 2 6 डिवाइडेड बाय 2 3, ऐसे 12 माइनस 2 10 डिवाइडेड बाय 2 5। सो इससे फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर ऑफ डॉट्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। हियर नंबर ऑफ डॉट इज व्हाट, n। सो n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। Be part of this question, try to do yourself.